दो या तीन लड़के हो सकते हैं जो रतलाम नीमच साइड से जो है नशीला पदार्थ वहाँ से लेकर यहाँ कहीं किसी को सप्लाई देने वाले हैं। टोर थाने के इलाके में दो लड़के नज़र आए जिनके पास काला बैग था जरिए मुखबिर सूचना मिली थी हमारे एडिशनल एसपी साहब को कि दो या तीन लड़के हो सकते हैं जो रतलाम नीमच साइड से जो है नशीला पदार्थ वहाँ से लेकर यहाँ कहीं किसी को सप्लाई देने वाले हैं। बताने वाले ने कुछ हुलिया बताया, उसके आधार पर SHO क्लॉक टावर और CO जो हैं साउथ उन दोनों को भी इस बारे में बताकर टीम मैदान में उतारी गई, मुखबिर मामूर किए गए और दिए हुए उल्लेख के आधार पर क्लॉक टावर थाने के इलाके में दो लड़के नज़र आए जिनके पास काला बैग था, जिस पर उनसे SHO ने जाकर पूछताछ की तो और तलाशी ली गई तो पता लगा कि दो लड़के जिसका एक का नाम मुकेश पुत्र श्री राजेश जाति बिश्नोई उम्र 22 साल निवासी हनुमान नगर भोजाकोर थाना लोहावट जिला फलोदी, दूसरे का नाम भी मुकेश है लेकिन पुत्र श्री अर्जुन राम जाति बिश्नोई उम्र 23 साल निवासी बिश्नोई की ढाणी डेलाना थाना लोहावट जिला फलोदी का उन्होंने अपना एड्रेस और पता बताया, नाम बताया। बैग की तलाशी ली गई, दोनों के पास जो बैग थे एक बैग में से जो है थैली मिली जिसमें 635 ग्राम अफीम व दूसरे के पास 620 ग्राम अफीम। इस बाबत कोई भी उनके पास कोई विक्रय पत्र कोई लाइसेंस कोई किसी प्रकार का परमिट की जानकारी ना होने पर क्योंकि ये अवैध थी इसलिए उनको आगाह कर इस बारे में तलाशी लेकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तो जब्त किया गया, मुकदमा बन गया। इसमें 635 और 620 दोनों मिलाकर 1255 ग्राम की जो है ये मतलब 1 किलो 255 ग्राम हो जाती है, तो ये एक अच्छी क्वांटिटी नशा मुक्ति के खिलाफ जो कि हमारा अभियान चल रहा है पुलिस मुख्यालय राज्य सरकार द्वारा, उस अभियान के दौरान ये जो है कार्रवाई हुई है। और उनसे जब पूछताछ की गई तो ये लड़के दोनों पूना के रहने वाले हैं, पूना में काम करते हैं, कोई गैस रीफिलिंग वगैरह काम करते हैं, लेकिन कोई इनके गांव के पड़ोस का ही बंदा है उसके कोई बहकावे में आकर इन्होंने वहाँ से रवाना हुए, वहाँ से पूना से जो है ये ट्रेन पकड़कर रतलाम आए, रतलाम से फिर जोधपुर एक्सप्रेस पकड़कर ये रवाना हुए जिसमें नीमच पे इनको डिलीवरी देना बताया है और वो डिलीवरी लेकर ये यहाँ उतर कर यहाँ से जो है कोई लोकल किसको सप्लाई देनी थी या यहाँ से आगे जो है इनको अपने इलाके की तरफ निकलना था, तो ये और आगे जानकारी ली जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो एक सूचना थी आप सबको प्रेषित करनी थी। सर अजमेर में कहाँ सप्लाई करने वाले थे कुछ पता चला? अब वो पूछताछ का विषय है कि अजमेर में सप्लाई करनी थी या यहाँ से आपने जो है इलाके फलोदी लो आउट में यहाँ से कोई साधन पकड़ कर निकलते। सर अनुमानित कीमत क्या होगी सर इसकी? 1 किलो अफीम की लगभग मार्केट वैल्यू 5 लाख के करीब है, तो ये क्योंकि उधर से आई है तो मेरे ख्याल में प्योरिटी इसकी हम और चेक करवा लेंगे क्या प्योरिटी है, और इसको हम वहाँ लोकल लैंग्वेज में दूध बोलते हैं कि अफीम का दूध जो है वो लेकर ये
परिष्कृत मात्रा में होती है ये, तो इसको ये कैरी कर रहे थे। ये क्योंकि NDPS का तहत मामला इसका बनता है और काफ़ी नशीला पदार्थ है, आप जैसा जानते हैं। सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड कुछ सामने है, यह पहली वारदात है इनकी? हाँ, वो भी संबंधित थाने से बात की जाएगी, दोनों जगह पता किया जाएगा, क्योंकि पुणे में ये व्यवसाय करना बता रहे हैं, तो पुणे में जो है इनका क्या रिकॉर्ड है, और जो संबंधित इनका थाना लोहावट पड़ता है, लोहावट थाने से भी इनके बारे में मालूम किया जाएगा, रिकॉर्ड लिया जाएगा। सर, और भी कोई शामिल हो सकते हैं इनके? अब वो देखते हैं उस रिजर्वेशन में, चार्ट में अगर हमें मिल जाता है तो उसमें इनके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा था क्या, तो वो अगर कोई है तो उसको भी हम देखेंगे।